Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the subject of business law for Sybcom semester 4. So video काफी interesting होने वाला है और इसमें मैं आपको सारे details about the law subject बताने वाला हूँ, तो video को last तक देखें. आइए start करते हैं. सो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो SYBCOM का सेमेस्टर 4 में जो बिजनेस लॉ है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें भी बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द ओवरऑल पेपर पैटर्न एज वेल एज द सिलेबस ऑफ बिजनेस लॉ. तो बिजनेस लॉ टोटल 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 एंड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2, ऐसे उसके दो मॉड्यूल्स है. देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो सिर्फ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं अकॉर्डिंगली, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हर साल पूछे जाएंगे. सो ओवरऑल अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें तो इसमें सारे लॉज दिए हुए हैं, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस लॉ है, तो आपको इसके रिलेटेड एग्जैक्ट और प्रिसाइज बातें ही एग्जाम में लिखनी है. जो लॉ में मेंशन है वही सब चीज़ें हम एग्जाम में हमें लिखनी है. सो अकॉर्डिंगली विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी इम्पॉर्टेंट, विच काइंड ऑफ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर एग्जामिनर नॉर्मली फोकसेस टू आस्क द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ. सो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसमें आपको सॉल्व करने हैं 2 क्वेश्चन और आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, तो 4 में से आपको सिर्फ 2 सॉल्व करना है, तो 2 आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है. सो 2 आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन 4 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में जो आएंगे वो मॉड्यूल नंबर 1 से आएंगे, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 में से. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर क्वेश्चंस 4 पूछे जाएंगे, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें से पूछा जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको अगेन 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देन जो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और उसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिमिलरली फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंपटीशन एक्ट 2002. और लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो IPR के मॉड्यूल से आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मॉड्यूल से आएगा. तो इसके बेसिस पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटी दें, के लिए इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसमें से कौन से पॉइंट्स के ऊपर एग्जामिनर फोकस कर सकता है और क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, जिसमें पार्ट 1 जो है उसमें आपको प्रमोटर के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस है. मैंने एक टेंटेटिव फैक्टर दिया है, देखो आप इसी क्वेश्चंस पे रिलाई ना करें, बिकॉज पेपर सेटर कुछ डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चंस डाल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन प्रमोटर के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप प्रमोटर से रिलेटेड जो रोल ऑफ प्रमोटर है थोड़ा ओवरव्यू उसका ले ले, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर है उसका ओवरव्यू ले ले. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड OPC 1% कंपनी. सो अकॉर्डिंगली ये तीनों चीज़ों का डिटेल्स थोड़ा पढ़ के रखे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस मॉड्यूल इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पढ़ के रखना है. दूसरा एक पॉइंट उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आप पढ़ के रखें, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडर मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. देन प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो या रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसका प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर एक क्वेश्चन
प्रॉस्पेक्टस या प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर आ सकता है। यूजुअली प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट आप प्रॉस्पेक्टस को भी पढ़ के रख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे जो चार क्वेश्चंस हैं जो आपकी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट वन में से आएंगे, ये इन्हीं कुछ चीज़ों से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, बट क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इन सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास 100% ऑप्शन अवेलेबल रहेगा एग्जाम में। आप उसमें से चार क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन जो आपको कंफर्टेबल है वो लिख सकते हैं। अगर आप चार क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उसमें से ऐसा हुआ कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, तो आपके पास ऑलरेडी तीन क्वेश्चंस बचते हैं, आपको तीन में से ही दो लिखने पड़ेंगे। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। फिर अगर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2001 का पार्ट वन मैंने आप 2013 का पार्ट वन मैंने आपको बताया, वैसे ही इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट टू, उसमें से जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो है राइट अ नोट ऑन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। फिर डीन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ मीटिंग्स जो है, जैसे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग सच एज स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी एक जस्ट ओवरव्यू लेके रखें। वरना अगर दूसरे दो मीटिंग्स के ऊपर अगर इस साल क्वेश्चन पूछा गया तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर या एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन इस साल आ सकता है। तो आपको लीगल प्रोविजंस पढ़ने हैं ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड ऑल्सो वी हैव टू रीड एनुअल जनरल मीटिंग। बेसिकली सारे टाइप्स की मीटिंग एक जस्ट ओवरव्यू ले लिया आपने, तो आप इससे रिलेटेड मीटिंग्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मतलब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात है, तो पार्टनर्स के जो भी राइट्स होंगे उनके ड्यूटीज होंगे वो आपको पढ़ना है। एज वेल एज LLP 2008 के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, अकॉर्डिंगली दोनों चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ के रखनी है। सो LLP के ऊपर एक क्वेश्चन 101% एक्सपेक्टेड होगा। सो आप LLP के जो बेसिक चीज़ें हैं, LLP का जो एक्ट है 2008 का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के रखें। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस है, या फिर प्रोसीजर क्या होगा फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो भी आप पढ़ के रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी एक्सपेक्टेड इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में से यही चीज़ों के ऊपर हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कभी दे विल फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, सम और द अदर पेपर दे विल आस्क यू एडवांटेजेस, सम और द अदर पेपर दे विल आस्क यू प्रोसीजर। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन सम और द अदर पेपर्स पे आपको देखने मिलेगा। सो LLP के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसे पूछा जा सकता है पार्टनरशिप के ऊपर, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, या फिर एक दूसरा डिस्टिंग्विश जैसे LLP और पार्टनरशिप के ऊपर डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। अगर आपके पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग और LLP का बेसिक मीनिंग क्लियर रहा तो आप डिस्टिंग्विश बिटवीन को इजिली आंसर कर सकते हैं। तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी इन मॉड्यूल के ऊपर, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर पूछा जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप का मीनिंग एज वेल एज LLP का मीनिंग ओवरऑल देखें तो ये मॉडल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप के ऊपर 12th स्टैंडर्ड OC में पढ़ लिया है, तो इतने डिफिकल्ट पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। सिर्फ LLP थोड़ा ध्यान से पढ़े, उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे। देन द नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, उसके ऊपर भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वो कुछ मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर डिफेक्ट कंप्लेंट, कंज्यूमर डिस्प्यूट। फिर जो रेडरिसल फोरम्स है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल फोरम, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ के रखें, किसके लिए क्या लिमिट्स डिसाइडेड हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर रेडरिसल दो फोरम्स है, उसके बारे में भी आपके पेपर में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरिसल फोरम जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम,
फिर फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, तो 2002 जो का जो कंपटीशन एक्ट है, जो MRTP एक्ट को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट बनाया गया, एंड दैट इज द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो पहले चल रहा था, दैट वॉज बीन रिप्लेस बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट. उसके सैलेंट फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है. यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ध्यान से पढ़ के रखे, फीचर्स भी आप एक बार जस्ट ओवरव्यू ले सकते हैं. देन एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ के रखे, उसमें ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा और कॉम्पिटिशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दोनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा. सिंस ये मॉड्यूल से एग्जामिनर को चार क्वेश्चंस कवर करना है, तो फ्रॉम दैट फोर क्वेश्चंस एनी टू यू हैव टू सॉल्व. तो अकॉर्डिंगली फोर क्वेश्चंस इन सब चीजों को कवर अप करके आपके पेपर में आ सकता है. देन द हियर कम्स द लास्ट मॉड्यूल कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज IPR. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बेसिक मीनिंग, IPR क्या होता है, उसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, या फिर IPR इंडिया में किस बेस पे चल रहा है, तो बैकग्राउंड लेना है आपको IPR का इंडिया से रिलेटेड, तो IPR इन इंडिया ऐसा भी पूछा जा सकता है. फिर देर आर डिफरेंट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू पेटेंट्स है, रिलेटिंग टू कॉपीराइट्स है, रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स है. सभी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है इस मॉड्यूल में से, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन मॉड्यूल्स के ऊपर ही क्वेश्चंस, ये मॉड्यूल जो है इनमें से ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दैट इज IPR रिलेटेड टू द पेटेंट्स एक्ट. पेटेंट्स एक्ट अभी कब फॉर्म हुआ था, इन द ईयर 1970. फिर कॉपीराइट एक्ट के ऊपर, कॉपीराइट एक्ट कब बनाया था, 1957 में. फिर ट्रेडमार्क्स एक्ट कब बनाया था, 1999 में. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो, अगर हम चार क्वेश्चंस की बात करें, चार क्वेश्चंस, और अगर एग्जामिनर को सारी चीज़ें कवर करनी है तो वो हर एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन डालेगा. जैसे IPR इन इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन डाला, फिर IPR पेटेंट्स के ऊपर, IPR कॉपीराइट्स के ऊपर, IPR ट्रेडमार्क्स के ऊपर. तो अकॉर्डिंगली तीन और एक चार, चार क्वेश्चंस हो गए. चार में से आपको जो दो कंफर्टेबल है वो आपको आंसर करने हैं. फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फेयर यूज एंड इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो फेयर यूज एंड इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ओवरऑल अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये जो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो यही है. दैट इज IPR रिलेटेड टू पेटेंट्स, फिर IPR रिलेटेड टू द कॉपीराइट्स, एंड IPR रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क्स. मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने आपको बेसिक बताया कि उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिकॉज एग्जामिनर चेंजेस एवरी टाइम, न्यू क्वेश्चंस दे आर एडिंग इन द पेपर. सो दैट कैन बी अ क्वाइट कंफ्यूजिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है वही अगर आपने पढ़ लिया तो देर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे. बट ओवरऑल उससे आपको ये आइडिया आ सकता है कि किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले आप लास्ट दो तीन साल के पेपर देखें, उसको कंपेयर करें, उसके बेसिस पे देखें कि किस बेस पे क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली उस बेस पे आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं. सो दिस वॉज दी वीडियो फ्रॉम माई साइड. अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, बिकॉज ऐसे ही रेगुलर बेस पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बेसिक गाइडलाइंस मेरे तरफ से मिलने वाले हैं, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स पेपर टू, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड वेरियस पॉइंट्स वी विल बी कवरिंग ओवर हियर, सो दैट आपको बेसिकली जो SY से रिलेटेड SEM 4 में अच्छे परसेंटेज के लिए मेरे तरफ से भी हेल्प हो जाए. इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मेरे TY के स्टूडेंट्स ने दिया है. तो TY में भी हमने ऐसा ही रेगुलर सेशन स्टार्ट किया था. एग्जाम से पहले उनको हर दिन वीडियो मिलता था, उसके बेसिस पे दैट वॉज हेल्पिंग देम फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन. उनके सारे बेसिक चीज़ें, सारी डाउट्स, जो सारे सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, वो सारे सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होते थे. इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा वैसे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आ जाएगा. एंड अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो टेलीग्राम में ढूंढे लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, और चैनल को ज्वाइन कर ले, सो दैट अगर आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वहां पे भी नोटिफिकेशन मैं डालता हूँ. अकॉर्डिंगली वहां पे डिटेल्स
डालने के बाद आपको वहां से भी अपने आप नोटिफिकेशंस आ जाएगा, वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली वीडियोस पे जा सकते हो. सो दिस वॉज द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर. थैंक यू.